फॉर एग्जाम्पल एक बॉस है, उसने एक एम्प्लॉय रखा। एम्प्लॉय माशाल्लाह काबिल है, टैलेंटेड है, थोड़ा क्रूड है, रॉ मटेरियल है, लेकिन उसने टैलेंट है सीखने का, सीखने का टैलेंट भी है, आगे बढ़ भी रहा है साहब। अब बॉस ने दो अप्रोचेस लेनी कि या तो मैं इसको दूं, सिखाऊं, आगे बढ़ाऊं, ठीक है, और ये मुझसे भी बड़ा बन जाए जो मेरे अंदर नहीं था, और दूसरा ये है कि मैं इसको रोकूं क्योंकि मैं इसको लाया हूं, मैंने इस पर नेकी की, मैंने इसके साथ खैर की, इसको ये समझना चाहिए कि मुझे सारी जिंदगी इसके थल्ले लेके काम करना चाहिए। दोनों मैथमेटिकली गलत बातें नहीं, उसको सिखाना भी गलत नहीं है और उसको रोक के रखना भी गलत है। इसके अंदर से कौन सी इस्लामिक अप्रोच है और कौन सी शैतानी अप्रोच है, आपको वेटेज में फर्क नहीं फील हो रहा कि बॉस जिसने उसको बना के आगे चलाया, बिल्ली ने जो शेर पैदा किया है, तो उसके पास ओईएम के पास हमेशा वो चीज होती है कि वो दूसरा शेर फिर पैदा कर सके। पॉइंट बिल्कुल, ये हमेशा रहेगा। आप जितने शागिर्द पैदा कर दे, उस्ताद की एक यूनिकनेस को कोई मैच नहीं कर सकता, वो उसी के पास होगी। जितना कॉपी कर ले, जितना छापू छाप ले, जितने नकाल नकल कर ले, पॉजिटिविटी क्या है, बढ़ने दो आप, मार्केट को फायदा हो। आज मेरे सब्जेक्ट को लेके एक बंदा पढ़ा रहा है, कल को मार्केट के अंदर 10 सब लोग बैठे होंगे मेरे सब्जेक्ट को लेके, तो इंडस्ट्री स्ट्रांग होगी और मजा है। मुझे भी तो ग्रो करने का मजा आएगा, तो मुझे हार्ड टाइम मिलेगा। लेकिन अगर मैं रोक दूं और निकासी बंद कर दूं और सारा टैलेंट रोक दूं, इसमें छोटापन आपको खुद फील हो रहा है, इबलीसियत आपको खुद महसूस हो जाएगी। सो आई थिंक सो अल्लाह कहता है ना कि वजन नहीं होगा, इबलीस की बातों में वजन, छोटापन इबलीस में, बड़ापन रब्बना ज़लमना अनफुसना रहमान कौला रब्बी बिमा अग़वैतनी इबलीस, तूने मुझे गुमराह किया अल्लाह, तूने मुझे बर्बाद किया, तूने प्लानिंग की मेरे खिलाफ। और नबियों का तरीकेकार अल्लाह, बड़ी बात हमेशा रहमान की, ज़र्फ़ वाली बात, आला ज़र्फ़ी, आला मियारी, आला बर्दाश्त, तहमुल मिजाजी, ये सारा आपको इधर, छोटापन, कीना परवरी, घटियापन, मतलब अदम बर्दाश्त, तेजी, इजलत, जल्दबाजियां, ये आपको खुद ही, तो इस पर एक कोर्स होना चाहिए ना भाई, व्हाट आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ द डेविल, कोर्स आ गया दी, कोर्स आ गया, शैतान के शैतान के एट्रीब्यूट्स के ऊपर लेक्चर होगा, तो आपको शैतानी काम और शैतानी सोच खुद पता चल जाएगी।